Askew. Kipalia, the Nam Central Motor. Maria Pine. Babi Doctor, Sugir Sahab. अलग अलग जमात से आए थे। मैं जो देख रहा हूँ कभी कभी यहाँ पर देखा ना देखा मुझे बिरादरी भी है अंसारी को बिरादरी भी है शेख सैयद प्रधान मेहमान हकी मंसूरी हर एक बिरादरी से जो ताल्लुक रखने वाले जो बिरादरान है इस प्रोग्राम के अंदर सभी आए और साथ साथ में सभी अलग अलग मजहबी संस्कृति के लोग वही अलग अलग पार्टी के लोग भी आए इसलिए क्योंकि यह शासी जलसा नहीं है शासी इस्तेमाल का प्रोग्राम नहीं है और मैं भी ऐसी कोई सियासी तकरीर नहीं करने वाला और वैसे बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे अभी मैंने देखा हुआ मेरे साथ में एजाज उमर भाई थे करीब भाई थे और लोग थे अग्रेशन भवन में वहां भी फिर दादा भूसे के लोग छोड़ के सब पार्टियों के लोग आए थे आप जैसे उनके लिए ये लगी हुई थी उससे बात के लिए और वहां के हिंदू समाज में भी हर समाज के पाटिल भी थे माली भी थे भौसा भी थे सोना भी थे मोची भी थे बहुत तो भाई भी थे अलग 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 समाज के 700 लोग आ जाओ और जो जो लोग मेरे साथ यरुद्दीन भाई के साथ नगर सेवक से जो लोग सास पे चले वैसे सब उसमें सुनील गायकवाड़ भी थे नंदू बाबा भी थे आरपीआई के दोनों तीनों घर भी थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे उधर के राष्ट्रवादी के सब जिम्मेदार थे बोलने का मतलब किसी ने जो चीज जो शक्ल यहां दी वही चीज वहां दी किसी ने जब मेरा दावत नामा यह हमको भी आशिक भाई ने जो मेरे लोगों को लगा करके वहां दावत नामा जब दिया तो किसी ने नहीं अल्लाह के करम से वो लोग सब आए बल्कि एक बधाई बात हो गई ये राजपाल साहब बोल दिए अगर आप अगर चाहो तो मुझे आदरणीय हमारा फायदा हो जाएगा है बिजली का फायदा हो जाएगा तो मैंने एक तय कर लो कि सभी पार्टी का मेरे को मित्र बना दो तब तक फायदा हो जाएगा सब मिलकर मुझे भागदार कर देना ऐसा नासिक जिले में एक्टिव हुआ बरोबर ना मेरे ख्याल है जो वज्जर के अंदर जो कंपनी आई है नाम जरा भूल गया होगा एचएफ कंपनी जो आई है उस टाइम सब पार्टी के लोगों ने कम्युनिस्टों से लेके कांग्रेस राष्ट्रवादी उस जमाने की जितनी अपनी जितनी पार्टियां थी और उन्होंने वादा किया था कि आप लोग मेरे को उम्मीदवार कर दो मैं चुन कर आया हूं आप लोगों को भला भला चीज आगे दिया और वो आज आपके हमारे सामने है नासिक शहर की जो तरक्की है वो कंपनी और एमएनडी तो वो बात वहां हुई है वो तो मजाक के बाद में थी इसके
ये मैंने भी थोड़ा मजाक की बात कर दी। बहरहाल जो आप लोगों ने मेरे अपने कामों की सराहना की, मैंने भी कभी भी कोई भी पार्टी का आया, कोई भी समाज का आया, कोई भी मजहब का आया, कोई भी तंजीम का आया, काम लेकर आया, काम हो सकता है तो क्या करेंगे। और अल्लाह ने उसके तो मुझे हर चीज में कामयाबी दी, बहुत ज्यादा मेरे बोलते हुए कि अब कल बोलना है फैज अब्दुल रोड के बाजू में 14 तारीख को बोलना है, इसके लिए मैं इतना ही बोलूंगा, सब लोग आए, तमाम तंजीमें आई, तमाम पार्टी के मानने वाले आए, मैं सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, शुक्रिया। मैं रमेश नेतुला साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सुलगती रेत के तलवे लहु लहु करना, सुलगती रेत के तलवे लहु लहु करना, फिर उसके बाद लोगों की आंखों करना। मोहतरम, आज का जो ये प्रोग्राम है इस माने में बहुत अहम है, इस शहर ने हमेशा रिवायतों को जन्म दिया है। अब तक हमने यही देखा था कि शहर को बहुत कुछ देने वाले लोगों का प्रोग्राम दुनिया से जाने के बाद उनके अपनों ने किया है। ये रिवायत इस्तकबालिया कमेटी के हिस्से में जाएगी कि उन्होंने अपने मकबूल लीडर का, उन्होंने अपने कायद का, जिन्होंने उन्हें सियासत सिखाई, जिन्होंने उन्हें समाज में जीना सिखाया, अपनी खूबियों से रोशनाश कराया, इस शहर को एक लीडर आशीष शेख रशीद के शक्ल में दिया। वो सब मिल करके शेख रशीद साहब का 40 वाला जश्न मना रहे हैं और इस शहर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस शहर के नौजवानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत ऐसी नहीं होती, समाज में ऐसे भी काम किया जाता है। गुमनामी से निकलने वाले शेख रशीद, जिनके बारे में उनके साथी बताते हैं कि वो गुमनामी में थे, अभी समीर लाल साहब आपको तकलीफ कर रहे थे कि कौन जानता था कि नाक छाप धोबा मट्टी में लूट चलाने वाला एक नौजवान इस शहर में न सिर्फ नुमाइंदा होगा बल्कि लोग उसकी तकलीफ करेंगे, सियासत में, समाज में, समाज में जीने के मामला। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं हज कमेटी के कुछ मामला को याद करने के लिए। यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इससे बहुत यादें जुटी हुई है, मुमकिन नहीं है कि दो मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर। मैं बहुत इख्तिसार के साथ अपनी बात को आपके सामने रखता हूं कि इस शहर में हाजी शमशेर अहमद, हाजी गुलाम रसूल को कोई भुला नहीं सकता। उनका ख्वाब था हज कमेटी, जब वो रियासती हज कमेटी के मेंबर हुए, उनकी तजवीज पर रियासती हज कमेटी के जिले हज कमेटी बनाने का मंसूबा बनाया गया। और आप और इस शहर ने देखा कि कुशामतपुरम में उन्होंने अपने घर में हज कमेटी का क्याम उन्होंने लाया। उस वक्त के वजीर तालीम सलीम जकरिया साहब और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहतरम सलीम जकरिया साहब ने उसका इफ्तिताह किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतने बड़े काम की इस शहर में उठाता हो। मैं पहली मरतबा आप लोगों के सामने इस बात को रख रहा हूं कि जब सलीम जकरिया साहब वापस गए और यह मनसूबा मीटिंग में आना था कि पूरी रियासत में जिले हज कमेटियों का कयाम होना है, हाजी शब्बीर अहमद साहब उस वक्त कमरे में मौजूद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मीटिंग में चले जाओ मेरे नुमाइंदे की हैसियत से। मैंने उनसे कहा कि आपका इस मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मकसद है, पूरी रियासत में जिले हज कमेटियां बन रही है, कोई इसकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन मैं आईनी शाहिद हूं, अब
कानों और अपनी आंखों से देखो उसकी मुखालफत, और आप यकीन नहीं करेंगे तारीख के कागजात पर वो मुखालफत लिखी हुई है, दर्ज है। इतनी शदीद मुखालफत की गई कि रियासती आज कमेटी ने माले कौम को छोड़ करके तमाम जिले आज कमेटियों को मंजूरी दे दी, लेकिन माले कौम को मंजूरी नहीं दी। उसके बारे में यह कहा गया कि इस पर बैठ करके बातचीत की जाएगी। उसके बाद शेख रशीद साहब का जमाना आया, आप एमएलए बने, और मैं शहर की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं, और राजेश शफी अहमद साहब की रूह को आपने तस्लीम देने का काम किया। इस सरकारी सतह पर आज हज कमेटी की जो मंजूरी है वो शेख रशीद साहब और उन्होंने दिया। मोहतरम, यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मालेगांव के एक हाजी का इंतकाल एयरपोर्ट पर हो जाता है, हम सब परेशान। एयरपोर्ट वाले ये बोलते हैं कि इस हाजी को जो है यहाँ से निकालना जरूरी है। मैंने मालूम किया कि बाहर कोई ऐसी शख्सियत है क्या शहर में जो एयरलाइन वालों से बातचीत करके उनको बाहर निकाला जा सके। मालूम हुआ कि उस वक्त बाहर के लोगों में हाजियों को पहुंचाने वालों में आसिफ शेख रशीद साहब मौजूद है। मैंने कोशिश करके उन तक बात पहुंचाई, आसिफ शेख रशीद साहब जो है अंदर तशरीफ लाए, और उन्होंने पूरी कोशिशें करके उस वक्त के जो वजरा थे उनसे बातचीत करके, इसलिए कि सिविलाइजेशन की जो उसूल है उनको भूल है, इंतकाल होने पर आसानी से किसी को जो है वो लोग पोस्टमार्टम के बिना बॉडी देते नहीं है। आसिफ शेख रशीद साहब ने उनको बाला भी करवाया और उनकी तजवीज और तफवीद में उनकी इमदाद और ताउन किया। उस वक्त से आसिफ साहब ने कहा कि आरिफ भाई, मैं हज कमेटी के बारे में सुनता हूँ, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा आप मुझसे कुछ बड़ा काम ले लीजिए। बात आई गई हो, मैं शहर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद आसिफ शेख रशीद साहब हमारी ऑफिस चले आए, कहा कि मैंने आपसे कुछ कहा था। मैंने कहा आसिफ भाई, ऐसे लीडर लोग तो बोलते रहते हैं कि मैं कुछ बड़ा काम उससे ले लेना, लेकिन मैं आपसे क्या काम लूं, मैंने आपका सियासी जुमला था। मैंने कहा मैं सियासी बात नहीं कर रहा था। हकीकत यह है कि पूरे महाराष्ट्र में बंबई के बाद सबसे ज्यादा हाजी जहां से जाते हैं रवाना होते हैं वो शहर मालेगांव है। मैं शहर मालेगांव को कुछ देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी नियत मुखलिस है, खालिस है, तो आसिफ भाई आप उनको ट्रेनिंग सेंटर दे दीजिए। जहां जहां पर इंपार्टेशन पॉइंट है वहां हज हाउस है, मालेगांव का आप हज ट्रेनिंग सेंटर दे सकते हैं। मेरी कमेटी इस बात की गवाह है कि हमने उसमें कुछ नहीं किया, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की, हमने कोई भाग दौड़ धूप, हमने कोई मुशक्कत नहीं करी। और आसिफ शेख रशीद साहब ने शेख रशीद साहब की मामले से उस वक्त की सब बंदियां मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब की कोशिशों से आज इस शहर में हज कमेटी का पूरा ऑफिस जो बना हुआ है, जो हमको दिया है, ये पूरे महाराष्ट्र में एक ही ऑफिस है, वाहिद ऑफिस है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां 16x24 का एसी ऑफिस हो, जहां 35x105 का ट्रेनिंग सेंटर हो। मैं इस मौके पर शेख रशीद साहब और उनके खानवा के फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और इस बात का एतराब भी करता हूं कि बहुत सारे कामों की सूची आप महाराज के जिले में नहीं बनी, बहुत सारे काम अखबार में नहीं छपे, कभी लोगों का बीच उसका तस्करा उसका जिक्र नहीं हुआ। उसमें एक हज कमेटी भी है जिसका मुझे और मेरे अपने लोगों को इसका अफसोस रहेगा। हम इस मौके पर जहां शहर में शेख रशीद साहब को याद किया जा रहा है, एक मुतालबे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हज कमेटी का जो ऑफिस आपने हमको दिया है दुबई रोड पर, मैं ये चाहता हूं कि 5 जिलों का तर्जनी सेंटर हमें आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिशों से और शेख रशीद साहब की मामले से हमें मुहैया हो। 5 जिलों के लिए आप तर्जनी सेंटर हमें जो है जमीन लेवल से अपने नागरिक के साथ आप देंगे। इस शहर के हाजियों की तरफ से मुतालबा रखते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अपनी बातें रखेंगे और आखिर में शेख रशीद साहब अपने तासुरात का इजहार करेंगे, और उसके बाद जो इस्तकबाल है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमीतरमान का 10 रोजा प्रोग्राम चल रहा है, उसके जिम्मेदारान की भी ख्वाहिश है कि जल्द जल्द जब अपने प्रोग्राम के ऊपर चले जाएं, किसी मस्जिद में जमीत का सीरत का प्रोग्राम है, इसे सबसे पहले हम उन्हें मौका देंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इस्तकबालिय कमेटी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, इरफान अली आदिल अली साहब हर स्टेज पर तशरीफ ले आए, और इस्तकबालिया कमेटी के सेक्रेटरी शकील ज्ञानी बेग साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए, उनसे गुजारिश है। बोला इरफान अली आदिल अली साहब, इस्तकबालिया कमेटी जो हमारी है उसके चेयरमैन है इरफान अली आदिल अली साहब, और ये कमेटी मुसलसल 7 रोजा प्रोग्राम का गठन इस कमेटी ने किया है।
और इरफान भाई, शकील खानी ने, एजाज उमर साहब और हमारे जैसे बहुत सारे कहना चाहिए साथियों ने जिनके दिमाग में ये कहना चाहिए पालिया प्रोग्राम का एक काटा था उसे हमने अपने जामा पहनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी फतेह मोहम्मद साहब, हाजी फतेह मोहम्मद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि दो मिनट तक के बाद चालू कर दिया आज जो मुख्य जो जनता की शक्ल के अंदर यहाँ आप और हम मौजूद हैं जिसके सदारत अली जनाब हुसैन डॉक्टर साहब कर रहे हैं और शहर के मोदी नगरा मुख्तलिफ तबके के ताल्लुक रखने वाले उनके सालात का जो इजहार यहाँ किया गया रसीद चाप के 40 साल जिंदगी जो सियासी गुजरी उस पर ये सारा तबसरा इतना वक्त आपका लिया गया जिसमें मैं भी शामिल हूँ तो उनके ताल्लुक से तो अब ज्यादा तारीफ करने जैसी बात नहीं है। सारी सियासी पार्टियां माजेगांव की उनकी खिदमत के काइल है। यह बड़ी फख्र की बात है मालेगांव के लिए। हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी पार्टियां हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में सियासत से ताल्लुक रखने वाली सियासी पार्टियां और उनमें जद्दोजहद और मेहनत और कोशिश करने वाले लोग अगर उनकी जानी से रसीद साहब की 40 साल सियासी जिंदगी पर अपने हालात का इजहार किया जा रहा है तो उनकी खिदमत से ताल्लुक रखती है। ये मामूली बात नहीं है। अहम बात उसमें यह है कि इस शहर के अंदर बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं जो सियासत से जुड़े हुए हैं लेकिन मालेगांव में 40 साल सियासी जिंदगी गुजारने वाला शख्स जनाब अब्दुल रशीद शेख साहब अनपढ़ है। अनपढ़ जिनको ये सियासी जिंदगी में उनके लफ्ज इस्तेमाल किया गया हमारे गांव में अंधे बहादुर ये खिताब जो जहां भी ये जलसे हुए उनको ये खिताब दिया गया अंधे बहादुर। लेकिन वही शख्स हमारे सामने आपके सामने मौजूद है जो सियासी जिंदगी 40 साल गुजरी वो अपनी जिंदगी का या आज अनमोल समझ लेने का लफ्ज से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अनपढ़ शख्स अंधे बहादुर शख्स जिसको मालेगांव में बोला जाता ये कम हैसियत की बात नहीं है कि उस आदमी का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उनकी तारीफ किया जाए उनकी तहसीब किया जाए और माना जाए कि ये सरकार ने मालेगांव के जिंदगी 40 साल जिंदगी में कुछ करके बताया। उनके काम गिनवाने की अगर बात है एक फेरिस्त तो बहुत बड़ी लंबी होगी बहुत बड़ी फेरिस्त है। मैं तो चार इरादे से ताल्लुक रखता हूं मगर मैं एक वाक्य आपको मुख्तसर लफ्जों में बता देना चाहता हूं। 1904 के अंदर मुस्लिम चपरपल संघर्ष समिति के जानेब से
आजाद मैदान में हमने एक मोर्चा ले गए, चार बिरादरी को चपरबंद के ताल्लुक से हमको विजय का सर्टिफिकेट मिलने के ताल्लुक से हमारी सुनवाई नहीं होती। आजाद मैदान में हमने वो मोर्चा ले गए और उसी चार वर्ष का इम हुआ, चार बिरादरी के नाम मान्यता बोले और आजाद मैदान में मोर्चा ले आए उनकी बिरादरी का। उसी दिन विलास राव देशमुख के ताल्लुक अदम एतमाद की तहरीक रखी गई है शासन असेंबली में, जब खबर लगी तो दौड़ के चले आ गए, मीटिंग छोड़ के चले आ गए आजाद मैदान में हमसे मिलने के लिए और बोले तुम्हारी क्या शिकायत है। हमने उनके सामने ये बात रखे तो उनके साथ तीन एमएलए विलास राव और सबने बोले कि भाई तीन एमएलए तुम जाओ रसिद साहब के साथ, वो खुद अगर मंग मीटिंग छोड़ के जाते तो कोई मसला बहुत गंभीर है और मेरा तो आ जाएगा तब एतमाद का मामला है। तीन एमएलए अपने माने गांव के अतराब के नहीं, दूर के अतराब के जो तीन एमएलए वहां पर वो आए और उन्होंने हमारी शिकायत सुने और हमारी शिकायत सुनने के बाद रशीद साहब के साथ हमको असेंबली के इजलास के बाद फौरन बुलाना हुआ वहां पे कि तुम्हारी क्या शिकायत है वहां रखो और वो हमारी शिकायत वहां सुने गई माने गई और उसके ऊपर समझने के जिला साहब जलाया गया, यकीन दिलाया गया। अब ये बात समझने जैसी है कि सिर्फ हमारी खबर उनको लगी कि ये दौड़ के वहां चले आए और तीन ही महीने हमारी हिमायत के अंदर मीटिंग छोड़ के असेंबली हाथ से आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आज से समझता 2004 की बात है कि ये उनकी खिदमत का जो खिलाफ मामला है वो गिनवाने के सर नहीं है। जो भी उन्होंने मेहनत की है मालेगांव के आवाम के लिए तो ये काबिल तहसीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा उनकी जिंदगी है तब तक और उनके जो वारिस है उनकी जगह पे सियासत के अंदर ये हिस्सा है वो भी इसी तरीके से हमने जामा फैलाते रहेंगे। मालेगांव के आवाम के लिए मैं यही उनसे उम्मीद रखता हूँ और अपनी बात कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी हजरत मोहम्मद शाह साहब के बाद इससे पहले कि भस्म किया है उससे एक बात तो ये तय हो गई है कि शेख रशीद साहब हजार थोली में नहीं रहते बल्कि वो मालेगांव की आवाम के दिल में रहते हैं। और इंसान जो होता है वो चार दर्जों में जीता है दुनिया में। इंसान आता है पहला दर्जा होता है मौजूद का कि दुनिया में लोग आते हैं वो मौजूद के दर्जे में रहते हैं। जब तक दुनिया में रहते हैं मौजूद रहते हैं खाते हैं पीते हैं अपनी जरूरत पूरी करते चले जाते हैं। दूसरा दर्जा मशहूर का होता है। कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर मशहूर आदमी के अंदर वो सलाहियत हो जिसके वजह से वो मशहूर हुआ है। तो दूसरा दर्जा मशहूर का होता है। तीसरा दर्जा मशहूर का होता है कैसे लोगों की सलाहियतों का उनकी खिदमत का लोग इतराब करते हैं उनको कबूल करते हैं कि हाँ ये आदमी सलाहियत का है। तो एक दर्जा तो है मौजूद, एक है मशहूर, एक है मकबूल और एक चौथा दर्जा होता है जिसके अंदर खसूसी लोग होते हैं जो महबूब का दर्जा होता है कि लोग उनसे उनको सिर्फ कबूल नहीं करते बल्कि लोग दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं। और इसी दर्जे को हमारे साहबेजाद शेख रशीद साहब पहुँचे हैं, महबूबियत के दर्जे को पहुँचे हुए हैं कि लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं। और जमील क्रांति साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि लोग जो है मालेगांव की आवाम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रही है। मोहब्बत जो होती है वो दोनों लोग आएंगे जाएंगे अगर आएंगे मोहब्बत का करने के लिए आ रहे हैं जनाब हाफिज इनायतुल्लाह साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और शेख रशीद साहब की जिंदगी उनके के मुख्तलिफ दोषों के हवाले से गुफ्तगू फरमाए जनाब हाफिज इनायतुल्लाह साहब।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد صدر محترم دائز پر بیٹھے ہوئے سیاسی سماجی دینی تنظیموں کے ذمہ داران اور معزز سامعین کرام آج کا جو یہ موقع ہے یہ اہل مالیگاؤں کے لیے بہت ہی اہم ہے جس کے اندر عالی جناب شیخ رشید صاحب کا 40 سالہ جشن منایا جا رہا ہے یہ ہماری تہذیب اور ہماری شناخت ہے کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ قوم ہمیشہ زبان کا سبب بنتی ہے اس قوم کے اندر اپنے رہنما اور اپنے کام کرنے والوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے اور ان کو بھلا دیا جاتا ہے آج کا یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے میں اس کے جتنے بھی آرگنائزر اور جتنے بھی یعنی اس کے اندر کام کرنے والے جو بھی حضرات ہیں میں تمام ہی لوگوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور آج کی یہ جو کڑی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کے وقت میں وقفے میں 40 سالہ خدمات کی تعریف کیسے ممکن ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میں نے جو محسوس کیا پرسنل طور پہ میں مالیگاؤں میں تجارتی سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہوں کچھ جماعتی پلیٹ فارم پہ بھی کام کرتا ہوں اور جمعیت اہل حدیث کا جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے بہت سارے مواقع پر سیاسی سماجی اور ملی تنظیموں سے میرے روابط رہتے ہیں میں صرف اتنا اسلام آباد کے بارے میں اور جو خصوص شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ملی اور قومی اور تشخصی کسی بھی معاملات پر ان کی ضرورت محسوس ہوئی ان کے خانوادہ کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے سیاست کو بالائے طاق رکھ کر کے قوم کے لیے ملت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھا قابل مبارکباد ہے پورا خانوادہ اور خصوص شیخ رشید صاحب اس لیے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی حیاتی میں ہی اپنا ایک وارث ایسا کھڑا کر دیا جو شہر میں تمام ہی معاملوں میں اپنی نمائندگی کا اظہار کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے ایک یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ہمیشہ ملتا رہے گا شیخ آصف صاحب کا نام جو آج ہے وہ شہر کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے میں دل کی امیر گہرائیوں سے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے پوری ہماری تنظیم کی جانب سے شیخ رشید صاحب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی جماعت کو یا ہمارے شہر کو یا ملی اور مسلمی تنظیموں کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہ خانوادہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش رکھے گا میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ رشید صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ ہمارے درمیان ہمیشہ جب تک ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی دی ہے حساس اور حساسیت کے ساتھ ان کو ہمارے اوپر باقی رکھے اور ان کو صحت تندرستی دے اور قوم و ملت کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے اور سرپرستی کرنے کا جو حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ امانت داری و دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے میں ایک بار پھر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی طرف سے اور جماعت تنظیم کی طرف سے انہیں دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آپ کے ہمارے سربراہ خانہ شیخ رشید صاحب کی 40 سالہ خدمات گجرات کے استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم ڈاکٹر عبدالدین شیخ صاحب ہمارے صاحب اعزاز
आदि जनाब से तफी साहब मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए तमाम शहर की हर एक एक अपने अपने जगह जीवन रखने वाले तमाम सामने हैं। शेख रफी साहब के 40 साल जश्न हम बना रहे हैं, उनकी सियासी समाजी खिदमत है, लेकिन ये अभी जारी है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये 40 साल जश्न जो हम बना रहे हैं इसको गोल्डन जुबली में तब्दील कर दे, यानी कि 50 साल हम 50 साल उसी साहब का जश्न मनाए, ऐसी मेरी दुआ है। साथियों, शेख रफी साहब ने बहुत तरह का काम किए, हर तबके का काम किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भूमकर और एडवोकेट की हैसियत से खड़ा हूँ, इसलिए मैं सब सिर्फ भूमकर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त भूमकर काफी परेशान थे, एक्सरसाइज लग गई थी, उस वक्त पूरे माने और पावर रूम बंद होने की कगार पर आ गए थे, उस वक्त शेख रशीद साहब ने बहुत ही जद्दोजहद की एक्सरसाइज लगाने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिए और उनके धरने की यह खूबी थी कि हमारे साथी न्याय अहमद साहब मरहूम वो लोग धरने में जाकर शेख रशीद साहब के धरने में शामिल हुए थे और उनकी जद्दोजहद और लोगों के साथ का नतीजा था कि एक्सरसाइज खत्म होगी मालेगांव साहिब से और पावर रूम जस्टिस से। दूसरा काम उसके बाद पावर रूम वालों के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया था, सूद बढ़ गया था, शेख रशीद साहब ने विलास राव देशमुख उस वक्त के वजीर आला थे उनसे मिलकर पावर रूम के लिए मालेगांव के 56 करोड़ रुपया संजीवनी स्कीम लाए, उसमें 56 करोड़ रुपया पावर रूम बुनकरों को खुद माफ किया गया, उसमें कितने लोगों का बहुत फायदा हो गया। फिर तीसरा काम अभी जल्द की बात है, साइजिंग के ऊपर कितनी बड़ी आफत आ गई थी, साइजिंग जो रूह है पावर रूम इंडस्ट्री की रूह है साइजिंग, क्योंकि साइजिंग नहीं रहेगी तो न कारोबार चलेगा न पावर रूम चलेगा, तो उसपे एनओसी का मसला था, तो हमारे शेख रशीद साहब शेख आसिफ साहब इन लोगों ने अपनी हिम्मत अमली से कायदे में रहकर साइजिंग वालों को एनओसी दिलाया जो कि एक नामुमकिन सी चीज लग रही थी, तो उसके बाद लोग को राहत मिली, आज हमारा कारोबार चल रहा है। वक्त तो बहुत कम है, अपना बोलना बहुत कम, बस मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे शहर में हमें तोहफा दिया शेख रशीद साहब के शब्द में और उनके जानासी आसिफ शेख रशीद साहब ये हमारे साथ, और आज का जो प्रोग्राम है ये सियासी नहीं है, इसलिए आज हर पार्टी के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं सबका इस्तेफादिया कमेटी का मैं भी जिम्मेदार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बांधा गया है, मैं चाहता हूँ मैं तालियों के साथ इनका इस्तेमाल होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत सा साफा है जो हरिद्वार टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से शेख रशीद साहब को इनायत किया गया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हाजिर आइए, मैं जानिब पहलवान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जानिब पहलवान आए और 2 मिनट में अपनी बात यहाँ पर रखें शेख रशीद साहब की शख्सियत के हवाले से। जानिब पहलवान साहब, आज हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं रशीद साहब के 40 साल खिदमत के लिए, उनका खिदमत के एहतराम के लिए हम जमा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों ने जब भी रशीद साहब को कोई भी मामले से याद किया, पीछे जैसे अभी एजाज भाई ने बताया साइजिंग के मामले से, साइजिंग से मामला तो ये हुआ था कि तुम सबको मालूम है कि पूरे शहर में सील लगने लगी थी हर साइजिंगों को, उस टाइम में हमने आसिफ भाई को पकड़े थे और आसिफ भाई के इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन तो हमने उनको नाम से लगाया, जबकि ये हाल थी कि हारने के बाद भी वो दूसरे तीसरे दिन हमारे काम के लिए तैयार हो गए थे। वही पीरियड में हमने रशीद साहब से मिले, आसिफ भाई के साथ कॉर्पोरेशन में सब बताया गया, पूरा रास्ता उन्होंने ही बताया कि अब ऐसा हुआ है तो इसको कैसे ढंग से किया जाए। अल्लाह का एहसान, उन्होंने एक एक चक्के वाइज एक एक साइजिंग वालों का सबका पूरा कंप्लीट किए और अल्लाह का एहसान है कि आखिर हम लोगों को पूरे उसके जो भी कागजात थे एक एक चीज कंप्लीट करके दिए। तो ऐसे ही ऐसे इतने काम इनके हैं कि हम अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि वो चीज बताए, बस इतना ही बोलूँगा अल्लाह ताला उन्हें और जिंदगी दे दे ताकि हम लोगों की खिदमत में और गुजारे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। उसके सदर सदर अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा
के दो मिनट में शेख रशीद साहब से जो उनका ताल्लुक देरीना है उसके हवाले से गुफ्तगु फरमाए सैयदुल्लाह अंसारी साहब। और गरीबों मजदूरों और अवामी मसलहत का इजाज सारे आदमियों का ये इस्तेमालिया प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की शुक्रिया साथ वहां से शुरू करूंगा दो मिनट एक शेर है मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में नाक छापने मजदूर पालो कामगार के हैसियत से काम करने वाले एक नौजवान शेख रशीद साहब जो पूरा गोरे गोरे रंग के उस जमाने में का जख्म होता है अब अल्लाह के अलावा किसे मालूम था कि ये नौजवान आदमी जवान है ये नौजवान नौजवान तरक्की करते करते मंजिल की तलाश में तरक्की करते करते नाम छाप के ऊपर उठ करके मंत्रालय जाए और एमएलए बन गए मेजर तालीम खा गई मैंने जब लोगों से पूछा तो हमारे दो सदर साहब ने उन्होंने बताया कि शेख रशीद साहब गरीबों के बड़े हमदर्द हैं तुम्हें यकीन नहीं आया जब मेरा एक मामला हुआ कि गरीब को मैंने भेजा इम्तहान के लिए और वाकई उन्होंने उसका जो है काफी पैसा दिया तो मेरे अपनी मामला की तकलीफ तो बहुत कमी है लेकिन मुख्तसर बात यह है कि गरीबों की हमदर्दी मैंने देखा कि बड़े बड़े स्वतंत्रता मारे नाम के अंदर वो आराम से लेते हैं और कुछ शब्द में और किसी शब्द में लेकिन देने वाले कम मिलते हैं ये शेख रशीद साहब ही ऐसे हैं जो हर जगह गरीब को परेशान लोगों को सबके लोगों को सब लोगों को हर तबके के लोगों को देने देते हैं बस इसका ही कहने बात मैं ये दुआ है कि ये सदा बहार रहे ऐसे ही नौजवान से जवान बने और ऐसे ही जवान रहे शुक्रिया जरा मैं प्यार बुलाया हूँ नामतो मुसलमान मुसलमान करने वाला बाबा और जिन्होंने शैतान ने भी इस बात को देखे आज के इस पुरकार दावादार तकरीब के साहिब एहसास अली जनाब अब्दुल रशीद से साहब स्टेज पर बैठे हुए हमारे मौजूद हजरात इस्तकबालिया कमेटी के सदर सेक्रेटरी और तमाम ही आका मालेगांव के मालेगांव शहर के तमाम जरादियों के और तमाम तबकात के नुमाइंदगी करने वाले तमाम हजरात और सामाई निकला वक्त बहुत कम रह गया है अजान की हो रही है मैं आपका ज़्यादा मुकदमा होगा लेकिन 40 साल पहले जो है एक नौजवान जो था वो हजार थोड़ी के गली से उठा पहले जो है वो थोड़ा बहुत सोशल वर्क किए और उसके बाद 1985 में जो है विस्तृत काउंसलर करके चुनके आए लेकिन वो उनकी मंजिल न थी अगर शायर के अल्फाज में कहे कि भंवर से लड़ो तुम तो लहरों से लड़ो भंवर से लड़ो तुम तो लहरों से लड़ो कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे उस किनारे किनारे चलना उन्होंने छोड़ा और जो है वो मालेगांव की सियासत की मझधार में आए और मझधार में आने के बाद जो है वो जो है सदरबंदियाँ भी रहे 10 साल तक एमएलए भी रहे और उसके बाद तो जो किंग थे से वो किंग नहीं रहे लेकिन अब जो है वो किंग मेकर बन गए हैं साहिबजादे जो है वो 5 साल तक के जो है एमएलए रहे उनकी अहलिया जो है 2 टर्म जो है मालेगांव कॉर्पोरेशन की मेयर रही है और उन्होंने इस कड़ी पीरियड में जो है शेख रशीद खानवादे ने जो है
जो सलमान आजादी है उसका जो यहाँ पर उसी की जो है हर कोई ताइफ और तस्दीक कर रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि इतने सारे लोगों ने ताइफ और तस्दीक करी और उन सब के बारे में मुझे बोलते हुए अभी कुछ वक्त नहीं है। मैं अपनी तकरीर से सिर्फ तो अशार में खत्म करूँगा। तो वो चिराग है जिससे जहान है रोशन, तो वो चिराग है जिससे जहान है रोशन, खुदाए पाक तेरी उम्र को दराज करे। अब उस मुकाम पे आया है जहां तुझ पर सफर भी नाश करे, हम सफर भी नाश करे। मैं जो है तकलीफ खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जैसा मैं इनकी दराजी उम्र की दुआ को मांगा हूँ और उनके नाम का सिलसिला जो है वो दराज रहे। आखिर कहा